हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जी टीवी के शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति शो फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फेवरेट सीरियल शिव शक्ति ऑफ एयर हो चुका है। इस सीरियल का लास्ट एपिसोड आज के दिन ही टेलीकास्ट किया गया। तो आखिर शिव शक्ति शो को जी टीवी के द्वारा क्यों ऑफ एयर किया गया, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे आगे भी सभी टीवी शो का अपडेट देखने को मिलता रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी टीवी के द्वारा प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति शो को 3 जुलाई 2023 को स्टार्ट किया गया था और इस सीरियल का लास्ट एपिसोड आप लोगों को आज के दिन यानी कि 18 अगस्त 2024 को आप लोगों को देखने को मिला होगा। यह शो जी टीवी पर 1 साल 1 महीने चला और इस बीच इस शो ने टोटल 406 एपिसोड कंप्लीट किए। जी हां, इस सीरियल का लास्ट एपिसोड 406 ही था। शिव शक्ति शो के लीड स्टार कास्ट में अर्जुन बिजलानी और निक्की शर्मा देखने को मिले थे, जिनकी जोड़ी को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और फैंस इन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं शो ऑफ एयर हो जाने के बाद। अगर दोस्तों इस शो के बंद होने की मेन रीजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी टीवी शो जब ऑफ एयर होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेन रीजन उसका टीआरपी होता है। टीआरपी कम आती रहती है शो की, जिसके वजह से चैनल को शो को ऑफ एयर करना पड़ता है। तो शिव शक्ति शो की टीआरपी भी काफी कम आ रही थी, मात्र 0.4 टीआरपी आ रही थी और इतने कम टीआरपी में जी टीवी इस शो को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। कई बार यह शो डेंजर जोन में जा चुका था लेकिन फाइनली जी टीवी ने इस शो को फेयर कर दिया। 18 अगस्त 2024 को इसका लास्ट एपिसोड 406 लाया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस शो का सीजन 2 लाया जाएगा या फिर नहीं। तो उम्मीद तो नहीं है इस शो के सीजन 2 आने के। बाकी बात इसके सीजन 2 के ऊपर आपको मेरे चैनल पर एक डिटेल में जल्द ही वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग इस शो के बंद हो जाने के बाद इसे कितना ज्यादा मिस करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।